नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिशन शक्ति के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या है मिशन शक्ति? देखो, डीआरडीओ ने अर्थ से 300 किलोमीटर की हाइट पर लो अर्थ ऑर्बिट में एक सैटेलाइट जो अर्थ के चारों ओर चक्कर काट रहा था उसको मार गिराया एंटी सैटेलाइट वेपन की सहायता से, यानी एसेट की सहायता से। यानी मिशन शक्ति जो था वो सफल साबित हुआ। अभी तक देखो सिर्फ 3 देशों के पास ऐसी कैपेबिलिटी है, यूएसए, चाइना और रशिया। यूएसए, चाइना और रशिया जो है उनके पास कैपेबिलिटी है स्पेस में किसी सैटेलाइट को मार गिराने की, और अब इंडिया के पास भी ये कैपेबिलिटी है। इसका हमने सफल एक्सपेरिमेंट किया। यूएसए ने ये कैपेबिलिटी हासिल की थी 1959 में, चाइना ने इस कैपेबिलिटी का सफल एक्सपेरिमेंट किया 2007 में, और रशिया ने एसेट वेपन यानी एंटी सैटेलाइट वेपन का सफल एक्सपेरिमेंट किया 2015 में। देखो, इंडिया के पास मूविंग ऑब्जेक्ट्स को निशाना बनाने की कैपेबिलिटी है, इस पर किसी को भी संदेह नहीं था। पिछले काफ़ी समय से इंडिया जो है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की टेस्टिंग कर रहा है, लेकिन स्पेस प्रोग्राम का जो फोकस रहा है वो सिविलियन और साइंटिफिक एस्पेक्ट्स पर ही ज़्यादा रहा है। एक अच्छी बात ये भी रही कि हमने ये टेक्नोलॉजी खुद से ही हासिल की है। यानी सैटेलाइट्स को मार गिराने की कैपेबिलिटी जो है हमने खुद से ही डेवलप की है, हमने किसी दूसरे देश का सहारा नहीं लिया है इस कैपेबिलिटी को हासिल करने के लिए। और जब हमने ये कैपेबिलिटी हासिल कर ली तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमने ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो कैपेबिलिटी है, वो किसी दूसरे देश के सैटेलाइट को मार गिराने के लिए नहीं हासिल की है, हमने डेटरेंस क्रिएट करने के लिए ये कैपेबिलिटी हासिल की है। एक प्रकार से दूसरे देशों को जताने के लिए कि हमारे पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है, अगर आप हमारे स्पेस एसेट को नुकसान पहुंचाओगे तो हम भी आपके स्पेस एसेट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी है। तो इस प्रकार की क्रेडिबल डेटरेंस क्रिएट करने के लिए ये जो कैपेबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होगी। लेकिन आर्टिकल में ये भी कहा जाता है, देखो चाइना से हमें किसी प्रकार की थ्रेट नहीं थी। मतलब चाइना ने कभी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है कि चाइना इंडिया की स्पेस एसेट को डिस्ट्रॉय कर देगा, और पाकिस्तान के पास ऐसी कैपेबिलिटी है भी नहीं। तो इंडिया की अब ये नई हासिल की हुई एसेट की जो कैपेबिलिटी है स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को इनस्टेबल नहीं बनाएगी, क्योंकि देखो पाकिस्तान आपको पता है हमेशा इंडिया के साथ आर्म रेस में रहता है। इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सपेरिमेंट किया, साथ ही साथ पाकिस्तान ने ही न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सपेरिमेंट कर लिया। पाकिस्तान को हमेशा ये लगता है इंडिया के पास जो हथियार हैं वो पाकिस्तान के पास भी होने चाहिए। तो इंडिया ने अब ये जो कैपेबिलिटी हासिल की है सैटेलाइट्स को मार गिराने की, पाकिस्तान भी कोशिश करेगा कि इस प्रकार की कैपेबिलिटी पाकिस्तान भी हासिल करे। तो इससे जो आर्म रेस है, कॉम्पिटिशन है इस प्रकार की कैपेबिलिटी को हासिल करने का, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इससे स्ट्रेटेजिक जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है वो और ज़्यादा इनस्टेबल होगा। बाकी देखो दूसरी तरफ कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स भी हैं जो कहते हैं इंडिया ने ये कैपेबिलिटी बिल्कुल ठीक समय पर हासिल की है, क्योंकि देखो एनपीटी साइन हो गई थी 1968 के आसपास, और उससे पहले ही अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स को हासिल कर लेते तो ठीक रहता। और अब कुछ जानकारों का ये कहना है स्पेस में सैटेलाइट्स को मार गिराने से संबंधित भी कोई ट्रीटी जल्द ही साइन हो सकती है, और अगर वो ट्रीटी साइन हो जाती है तो उसके बाद इंडिया का इस प्रकार की कैपेबिलिटी को हासिल करना मुश्किल हो जाता। तो किसी प्रकार की ट्रीटी साइन होने से पहले ही इंडिया ने सैटेलाइट्स को मार गिराने की कैपेबिलिटी हासिल कर ली है, तो इस बार इंडिया ने काफ़ी समझदारी दिखाई है। लास्ट में एक बात ये भी बोली जाती है, सैटेलाइट्स को मार गिराने की इंडिया ने जो कैपेबिलिटी हासिल की है, संकेत इससे ये भी जाता है कि इंडिया भी एक बड़ी स्पेस पावर अब बन गया है। इंडिया एक एलीट क्लब में एंटर कर गया है। अभी तक सिर्फ यूएसए, चाइना और रशिया के पास इस प्रकार की कैपेबिलिटी थी। इंडिया चौथा ऐसा देश है जिसके पास स्पेस में सैटेलाइट्स को मार गिराने की कैपेबिलिटी है।
तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया मिशन शक्ति के बारे में, एसेट के बारे में। चलते हैं आगे। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।